हे व्हाट्सअप गाइस। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ना आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ MIUI के लेकर। यार, जो अपडेट्स हैं वो आजकल क्यों डिले होती हैं, या हमें अपडेट हमारे जो फ़ोन्स हैं उनमें क्यों आहिस्ता देखने को मिलती है, कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ रेडमी नोट 5 की, या रेडमी Y2 की, या रेडमी 6 की, या रेडमी 6 प्रो की, या रेडमी नोट 6 प्रो की, या रेडमी 5, या रेडमी 5A, जितने भी शाओमी की डिवाइसेज हैं ओल्ड, यार उनको अपडेट आजकल क्यों इतनी स्लो देखने को मिल रही है, और यार अपडेट जो है वो इतनी डिले क्यों होती है हमारे फ़ोन्स के लिए। तो यार यहाँ पर ना आज मैंने सोचा कि यार इस बारे में एक वीडियो बनाऊँ जिसमें यार आपसे शेयर कर सकूँ इन्फॉर्मेशन, और आपकी भी जो राय है वो भी मैं जान सकूँ कि यार आप इस बारे में क्या सोचते हो। यार आप वीडियो को देख लेना, और आप क्या इस बारे में सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि क्या मेरा कहना सही है या गलत है। तो यार यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले अगर MIUI को लेकर, अपडेट्स को लेकर 11 की, या कह लीजिए 10 की भी, यार हमारे लिए जो अपडेट्स हैं वो हम देखते हैं कि यार कभी हमारी अपडेट आती है तो कभी चली जाती है, या कभी सस्पेंड ही हो जाती है, और 2-3 मंथ हमें देखने को अपडेट जो है वो मिलती ही नहीं है हमारी Xiaomi की डिवाइसेस के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ न्यू डिवाइसेस की, जैसे कि हमारे लिए Redmi Note 7 आई थी, मतलब अपडेट उसकी Redmi Note 7, Redmi 7S, या Redmi 8, या Redmi 8A, ऐसी डिवाइसेस, कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना कि यार इसकी अपडेट जो है वो डिले हो गई है, और बहुत सारा मसला चल गया है, अब अपडेट कब मिलेगी, ये होगा वो होगा, कभी भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कभी भी ऐसी अपडेट आई ही नहीं इसके लिए कि जो सस्पेंड हो जाए। जहाँ तक मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं, मुझे आज तक कभी भी ऐसी नहीं देखने को मिली इन्फॉर्मेशन कि यार जो न्यू फोन्स हैं उनके लिए अपडेट सस्पेंड हो गई है, या उनके लिए रोल बैक कर ली गई है, बग बहुत थे, कभी भी यार ऐसा नहीं हुआ। अब बात आ जाती है कि यार ये जो हमारे फ़ोन्स हैं इनके साथ ऐसा क्यों होता है। अगर यार एक आप Redmi Note 5 के यूज़र हो, या Redmi 5 Plus के, या Redmi Note 5 Pro के भी, तो यार आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत लाजमी है कि हमें अपडेट जो है वो इतनी डिले क्यों देखने को मिलती है, हमें फास्ट अपडेट जो है वो जैसा कि उन डिवाइसेस को देखने को मिलती है कभी भी अपडेट जो है वो डिले होती ही नहीं है, और टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। आपने ये भी देखा होगा कि यार जो अपडेट है हमें देखने को पहले कुछ यूज़र्स को मिलती है, और उसके बाद 1 से 2 वीक्स से 3 वीक्स लग जाते हैं यार, उसके बाद कुछ यूज़र्स को देखने को मिलती है दोबारा। मगर जो न्यू डिवाइसेज हैं उनको 1 या 2 दिन तक, मतलब रैंडमली यूज़र्स को एक दिन मिल गई, दूसरे या तीसरे या चौथे दिन उनको सभी को यूज़र्स के लिए ओवर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे केस में ऐसा क्यों है? यार सिंपल सी एक बात निकल कर यहाँ ये आती है कि यार जो Xiaomi है वो एक्चुअली अपने पुराने डिवाइसेज को इग्नोर करता रहता है। इग्नोर इस तरह से करता रहता है कि यार जब हमारे कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जो ट्वीट बहुत करते हैं उनको कि यार अपडेट नहीं मिली है अभी अपडेट दो, कुछ यूज़र्स मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उन पर जाकर, कुछ लोग ट्विटर पर जाते हैं, कुछ लोग मी कम्युनिटी पर जाते हैं, कुछ लोग और थ्रेड्स पढ़ते हैं उनके नीचे करते हैं, उनको हैशटैग लगाकर या ऐसे ही, तो यार बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो यार कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती ही रहती है कि यार यूज़र्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अपडेट को लेकर, तो वो कोई ना कोई एक ऐसी अपडेट दे देते हैं, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन तो पता लग ही जाती है कि बग बहुत आ रहे हैं, तो वो एक बग ऐसा जो हमारा है रोम वो एक ऐसा तैयार करते हैं जिनमें कि बग्स फिक्सेस हों या ना हों, मगर उनको अपडेट कर देते हैं, उन बग्स को फिक्स कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाकर, मगर वो दूसरे जो हमारे बग्स हैं मतलब कोडिंग है उनको नहीं देखते, जिनसे एक बग तो सही होता है मगर दूसरा बग खराब हो जाता है और दूसरा बग निकल आता है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ Redmi Note 5 की जो हमारे लिए अपडेट आई है, उसमें पहले भी बैटरी का इशू था, अभी भी इशू है। क्यों है? क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार वो डिवाइसेस पुरानी हो गई हैं और अब उन्हें काम करना है न्यू डिवाइसेस पर, जैसा कि Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8, ऐसी डिवाइसेस पर, क्योंकि यार अगर वो उस पर काम नहीं करेंगे तो उनकी डिवाइसेस की रेटिंग मतलब के कम होती जाएगी और यूज़र्स उन डिवाइसेस को ख़रीदेंगे नहीं, अगर नहीं ख़रीदेंगे तो उनकी जो कंपनी है वो लॉस में जाएगी, अगर लॉस में जाएगी तो फिर मसला बन जाएगा उनके लिए, इसलिए वो अपना जो शेड्यूल है ईयर का उससे पूरा करने के लिए बैठे रहते हैं, और भाई के हमें बस पूरा करना है अपना जो कॉस्ट है एक 1 ईयर की उससे पूरी करनी है कि हम कितना एक 1 ईयर में अर्न कर रहे हैं अपनी कंपनी से, ये उन्हें अपना बजट मेंटेन रखना होता है। अब अपडेट हम जैसे यूज़र्स की बात आ जाती है कि यार हम लोग क्या करें, हमें अपडेट कैसे देखने को मिले, तो यार अपडेट के बारे में आप ट्वीट ही कर सकते हो एक्चुअली, और कुछ नहीं कर सकते, वो Xiaomi डिपेंड करती है कि यार वो अपडेट अब देना चाहती है या नहीं, या हमारे पास एक और रास्ता है हम इन डिवाइसेस को छोड़कर किसी न्यू डिवाइसेस पर चले जाएं, ये भी एक मेथड है। अब यार आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मैंने आपको बताई है रीज़न, क्या ये रियल है या
इनमें से भी कुछ चांसेस ऐसे हैं जो नहीं है। अब आप मुझे अपनी भी राय बताइएगा कि क्या आप क्या सोचते हो कि इस बारे में हमें अपडेट इतनी डिले क्यों देखने को मिलती है। तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार आपको इन्फॉर्मेशन आपके ही फ़ोन की टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।